नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ गौरी घाट। एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको नर्मदा नदी के अनेक घाट और भक्तिमय वातावरण देखने को मिल जाएगा। गौरी घाट एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर घाटों की एक पूरी श्रृंखला है। आपको यहाँ पर बहुत शांति और सुकून मिलेगा। देखिए, हम लोग बोट के माध्यम से नर्मदा जी को पार करने जा रहे हैं, जिसकी दूसरी तरफ एक गुरुद्वारा है जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आप नर्मदा मैया के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ा सकते हैं और सूर्यास्त का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत होता है। गौरी घाट जबलपुर ज़िले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। जबलपुर को हम सब लोग संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर नर्मदा जी जबलपुर की लाइफलाइन है। ये एक अद्भुत जगह है जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है, आप ऑटो या बस के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। गौरी घाट पर आप अपने वाहन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, माँ नर्मदा का सूर्यास्त का नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अलग अलग घाट हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। गौरी घाट के सारे घाट बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई भी बहुत सुंदर है। देखिए, अब हम बीच माँ नर्मदा में माँ नर्मदा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। माँ नर्मदा का मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। आपको वहाँ पहुंचकर उनके दर्शन कराते हैं। सजी धजी बोट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत। और ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है माँ नर्मदा मैया की प्रतिमा का। मकर वाहिनी माँ नर्मदा है यहाँ पर। गौरी घाट में ही दोस्तों आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, सिंदूर वगैरह खरीद सकते हैं। घाट के पास में बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। दर्शन कीजिए माँ नर्मदा, मकर वाहिनी माँ नर्मदा के। यहाँ पर घाट में भक्तिमय वातावरण देखते ही बनता है। माँ नर्मदा को लोग दूर दूर से आकर के चुन्नी चढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक घाट से दूसरे घाट तक माँ नर्मदा को चुन्नी चढ़ाई गई है। गौरी घाट में आने के लिए आपको ऊपर अपनी वाहन को छोड़ना होगा पार्किंग में, फिर नीचे थोड़ा चल करके आना पड़ता है। गौरी घाट में आप लोग स्नान ध्यान भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है महिलाओं और पुरुषों के लिए। सुंदर नजारा, माँ नर्मदा को चुन्नी चढ़ाई गई है जैसा मैं पहले बता रहा था आप लोगों को। और वो आखिरी में जो आप देख रहे हैं वो है गुरुद्वारा।
यहाँ पर अलग अलग घाट हैं, सिद्ध घाट, उमा घाट, दरोगा घाट, खारी घाट, जलहरी घाट, ये सारे घाटों की श्रृंखला है इस गौरी घाट में। तो जो पहला घाट होता है उसका नाम है सिद्ध घाट। यहाँ पर आपको शंकर जी का मंदिर देखने को मिलेगा। वहाँ पर गौमुख है जहाँ पर लगातार साल के 12 महीने 24 घंटे पानी बहता रहता है। बहुत ही खूबसूरत घाट है जहाँ पर शंकर जी के शिवलिंग विराजमान है। और उस गौमुख के पास ही आपको अन्य मूर्तियां काली जी की, दुर्गा जी की, गणेश जी की भी देखने को मिल जाएंगी। अब हम जा रहे हैं दूसरी ओर जहां पर गुरुद्वारा साहिब है। जाते आते आपको बताऊं एक उमा घाट भी है, दूसरा घाट सिद्ध घाट से जब आप आगे जाएंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा घाट है। माँ नर्मदा जी की आरती वहां पर शाम को 7 बजे की जाती है। यहाँ पर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। अब हम पहुंच गए हैं देखिए गौरी घाट के दूसरी ओर गुरुद्वारा साहिब में। जाते आते आपको बताऊं एक दरोगा घाट भी है वहां पर गौरी घाट की घाटों की श्रृंखला में, जहां पर आप नाव से जा सकते हैं। और एक आखिरी में पड़ता है खारी घाट। ये एक बहुत ही शांत घाट है यहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअली में खारी का विसर्जन किया जाता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है इस पर। और अंत में मिलेगा आपको जलहरी घाट। यहाँ पर भी आप पैदल जा सकते हैं, 1.5 किलोमीटर होगा गौरी घाट से। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में। कहते हैं कि 1507 में श्री गुरु नानक देव जी ने जब अपनी पहली उदासी शुरू की थी, जिसे यात्रा का नाम दिया गया था, तब उन्होंने भारत के अलावा बहुत सारे अन्य देशों का भ्रमण किया, जैसे अरब, मक्का, बगदाद, चाइना, अफगानिस्तान, काबुल और अनेक देश, जहां पर उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटा। इस यात्रा के दौरान जबलपुर के गौरी घाट के दूसरे छोर पर माँ नर्मदा के किनारे ये गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक देव जी का देव स्थल बताया जाता है। कहते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी यहाँ आकर रुके थे और उन्होंने ऋषि सारंग को ज्ञान दिया था। कहते हैं कि जबलपुर से पुरानी सड़क बहुत प्राचीन काल से ही गौरी घाट से होती हुई नागपुर को जाती है। जबलपुर में आज तक कोई ऐसा घाट नहीं है जहां नर्मदा नदी पार की ना जाती हो, तो वो इस बात को साबित करती है कि अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी ने नर्मदा को पार करके यहां पर ठहराव किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जबलपुर में नर्मदा जी के बाएं किनारे पर ऋषि सर्वांग रहा करते थे, जहां पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया था। नर्मदा किनारे स्थित ये गुरुद्वारा वही देव स्थल है जहां पर कहते हैं कि गुरु नानक देव जी रुके थे, उन्होंने ठहराव लिया था। अपने जीवन काल में उन्होंने 4 उदासी की थी, जिनमें से 1507 ईस्वी के दौरान वो यहाँ आए थे, यानी एक उदासी जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे गौरी घाट में। अब हम लोग वापस गुरुद्वारा के दूसरे छोर पर गौरी घाट में जाते हुए, जहां पर शाम के 7 बजे हर रोज माँ नर्मदा की आरती होती है, वहां पर भी जा रहे हैं और अब वहां का नजारा आप लोगों को दिखाते हैं। नर्मदा सिर्फ जबलपुर की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, इसलिए
इसे माँ का दर्जा दिया गया है। अब हम पहुंच गए हैं ग्वारी घाट वापस माँ नर्मदा की आरती के लिए। यहाँ पर आपको अलग अलग दुकानें दिखेंगी प्रसाद की, और सारी दुकानों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग पंडों के अलग अलग नाम से दुकानें हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये है हाथी वाले पंडा जी, ये हैं पंडित तलवार वाले, और ये हैं शंख वाले पंडा तीर पुरोहित, ये हैं मोर पंख वाले पंडा, माँ नर्मदा की आरती का वक्त शुरू हो गया है। एक दूसरे वीडियो में अगली बार आपको पूरी आरती के दर्शन कराऊंगा मैं, माँ नर्मदा की आरती के। बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर वातावरण ग्वारी घाट का, माँ नर्मदा जी का। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, आप लोगों से मुलाकात करेंगे, माँ नर्मदा के आरती के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बोलिए हर हर नर्मदे।